सुदामा जी क्रिएशन, मैं अनुमया तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। डैंड्रफ के बारे में वीडियो बनाने के लिए कई सारी रिक्वेस्ट आई हैं और कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर्दियाँ आने पर डैंड्रफ की समस्याएं बढ़ क्यों जाती हैं। कई बार तो जिन लोगों को डैंड्रफ होता है लोग उनसे दूरी बनाने लगते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये छुआछूत बीमारी जैसा है, यानी कि उनके कॉन्टैक्ट में आने से ये फैल सकता है। डैंड्रफ की समस्या काफ़ी कॉमन है और ये ज़्यादातर टीनेज में दिखाई देती है क्योंकि इस टाइम पर बॉडी में काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एक सर्वे की माने तो वर्ल्ड में 14 से 22 साल के उम्र की लोगों की जनसंख्या में 40-50% लोग ऐसे हैं जो डैंड्रफ की दिक्कत से परेशान हैं। लोग टीनेज उम्र के बच्चों को अक्सर ये कह देते हैं कि वो लोग सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बट कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। इस उम्र में बच्चे अक्सर काफ़ी चीज़ों से परेशान होते हैं। पहला तो उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, दूसरा पढ़ाई का प्रेशर रहता है, तीसरा अच्छा दिखने का भी प्रेशर रहता है और ऊपर से डैंड्रफ का डर अलग। अगर आपकी उम्र 14 से 22 साल के बीच में है तो सही कहा जाए तो यही एक उम्र है जिसमें आप सेलिब्रिटीज़ को कॉपी करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इस उम्र में आपकी स्किन काफ़ी यंग होती है। बाकी मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आपकी ये जो डैंड्रफ की परेशानी है उसका हम ज़रूर हल बता देंगे ताकि आप ब्लैक या डार्क कपड़े पहनने से बिल्कुल ना डरें। आज हम पूरी वीडियो में डैंड्रफ के बारे में बात करेंगे और आपको दूसरी वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब जानकारी कई जगह से रिसर्च कर लाती हूँ और आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है जो हमारी स्कैल्प यानी कि खोपड़ी पर होता है। इसका नाम है मेलेसेजिया, जो कि जब बढ़ जाता है तो रूसी या डैंड्रफ के रूप में बाहर दिखाई देने लगता है और बालों में अटक जाता है और दिन भर हमारे कपड़ों पर बालों से झड़कर गिरता रहता है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या लक्षण हैं। पहला, बालों में खुजली होना और रूखापन रहना। दूसरा, फोरहेड और स्कैल्प की स्किन का लाल हो जाना। तीसरा, बालों का झड़ना और रूसी का गिरना। जैसे कि हम सभी हेल्थ समस्याओं को तीन तरीके से ठीक करने की सलाह देते हैं, वैसे ही डैंड्रफ की दिक्कत में भी हम तीन तरीके बताएंगे। पहला तो वो कि ये दिक्कत होती क्यों है ताकि आप प्रिकॉशंस लेकर इसे रोक सकें। दूसरा, अगर ये आपको समस्या हो गई है तो इसका क्या ट्रीटमेंट, क्या दवा है वो बताएंगे। और तीसरा, ये दिक्कत आगे ना हो उसके लिए ज़रूरी टिप्स बताएंगे। हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि ये दिक्कत क्यों होती है। थायराइड की बीमारी या एलर्जी की वजह से भी डैंड्रफ की समस्याएं दिखाई देती हैं। कभी कभार लोग हार्ड शैम्पूज का इस्तेमाल भी करते हैं जिसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है, और शैम्पू रेगुलर ना यूज़ करने से भी डैंड्रफ होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी बालों में डैंड्रफ दिखाई दे सकता है और ये ज़्यादातर 14 से 22 साल की उम्र में काफ़ी आम है, क्योंकि उस टाइम पर बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं। बदलते हुए मौसम की वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। यही कारण है कि जब सर्दियां आती हैं तो लोगों के बालों में इचीनेस और डैंड्रफ बढ़ जाती है। सर्दियों में डैंड्रफ बढ़ने का एक और कारण है क्योंकि सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं। गर्म पानी से नहाने की वजह से स्कैल्प में रूखापन आ जाता है जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकता है। कई लोग बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का इस्तेमाल भी करते हैं, उसकी वजह से भी डैंड्रफ और बढ़ता है। सर्दियों में हम अपने सर को टोपी और स्कार्फ से ढकने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हमारे स्कैल्प का एयर सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकता है। ठंडी हवा हमारे बालों के रूट तक यानी कि जड़ तक पहुंच जाती है और एक लेयर बना देती है जो कि डैंड्रफ की तरह झड़ना शुरू हो जाती है। सबसे बेहतर है कि आप इस समस्या के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे सलाह लें। डॉक्टर आपको इस दिक्कत के लिए एंटीफंगल ही प्रिस्क्राइब करते हैं। एंटीफंगल दवाइयाँ हम लोगों के बालों में जो फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है उसको उसी पर रोक देती हैं और इसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है वो जहाँ तक पहुँचा है उसी जगह पर रुक जाता है। डॉक्टर ज़्यादातर एजोल दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कीटाकोनाजोल और क्लिम्बाजोल जैसी दवाइयों को प्रिस्क्राइब किया जाता है ताकि ये फंगल इन्फेक्शन को रोक दें। या बालों की क्वालिटी को बढ़ाती हैं, खुजली और रेड स्किन से राहत प्रदान करती हैं और ये बालों को और मुलायम और स्वस्थ बनाती हैं।
अब हम कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जिससे हम डैंड्रफ की समस्याओं को रोक सकते हैं और ये आगे जाकर फिर से ना हो उस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं। पहले तो हम आपको 3 आसनों के बारे में बताएंगे जिससे आपके स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और ये नेचुरल तरीके से आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को रिमूव कर देगा। पहला सर्वांग आसन, दूसरा चक्र आसन, तीसरा अधोमुख स्वान आसन। ये 3 आसन हमारे स्कैल्प या हेड रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। हेड रीजन में ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हमारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। हमारे चैनल पर हेल्थ अलर्टनेस से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल के बारे में जरूर भी लोगों को बताएं ताकि वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। दूसरा, कोई भी ऑयल को हल्का गर्म कर अपने स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें और धीरे धीरे अपने बालों की जड़ों को मालिश करें। बेहतर तो आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल ही होगा, लेकिन आप कोई भी हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, इसकी वजह से आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके बालों का रूखापन भी चला जाएगा, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन कम होगा और डैंड्रफ की समस्या से राहत मिलेगी। तीसरा, जब हम नहाते हैं तो हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करें जिससे हमारा स्कैल्प कम ड्राई होगा। कंडीशनर अगर आप लगाते हैं तो अपने बालों पे यानी कि स्कैल्प पर उसको लगाकर 6 से 7 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद गर्म पानी या सादे पानी से उसको धो लें। चौथा, बालों को नेचुरल तरीके से ड्राई होने दें यानी कि हेयर ड्रायर का इस्तेमाल ना करें। पांचवा, बालों को कॉम करें जिससे आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हो सके तो दिन में 2 से 3 बार बालों को जड़ से कॉम करने की कोशिश करें। बाहर जाते हैं तो अपने बालों को कवर कर लें ताकि डस्ट या पॉल्यूटेंट से आपके बाल ड्राई ना हो, खराब ना हो। अंत में हेल्दी या बैलेंस्ड डाइट लें और अच्छी नींद लें, क्योंकि ये दोनों आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और हीट स्टाइलिंग, केमिकल ब्लीचिंग, कलरिंग, ड्राइंग और हेड स्ट्रेटनिंग को अवॉइड करें। अगर आप इतनी चीज़ों को फॉलो करें तो गारंटीड है कि आपके बालों में डैंड्रफ नहीं होगा। अपना और अपने परिवार के सेहत का ख्याल रखें। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये कमेंट कर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।